एंट्री नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से एंट्री मिली है। पास अंदर मम्मी के पास था, मुझे पता कैसे मंगाया पास, भाई बुरा हो गया। और गाड़ी हमने वो लगा रखी है MCM के पास। छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ जन्माष्टमी के लिए, ठीक है, आप देखते रहना। और माइक भी नहीं लेके आया मैं, तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। चलो हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। भाई अंदर आ चुके हैं, थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि ना अभी शेक की टाइमिंग 8:30 और 8:40 हो गए हैं यार, तो तेज तेज भागना पड़ेगा थोड़ा। मंदिर की बैक साइड से एंट्री की है यहाँ पर। पीछे ही जा रहे हैं क्योंकि अभी चेक करने के बाद हमें वहीं प्रसाद मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ अभी ले नहीं रहे प्रसाद। यहाँ प्रसाद में लेना टाइम ज्यादा लग जाएगा ना यहाँ पे, इसलिए पीछे चलते हैं। वहाँ पे अभिषेक आज बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इसलिए वेटिंग के लिए बिठा दिया। वेटिंग के लिए देख गया गाड़ी भी तो अपनी वो खड़ी रब दी जोड़ो में। ये पॉपकॉर्न देख के खाने का मन हो गया था, लेकिन भाई फास्ट है खा नहीं सकते। ये देखो प्रॉपर मेला। ओ भाई हम तो भाग भाग के इतनी दूर से हम भागते हुए आ रहे हैं और अभी भी भाई जाम हट नहीं रहा है। तो गाड़ियां फंसी पड़ी है, देखना कुछ नहीं पता लग रहा क्या है क्या नहीं है, सब पता पड़ा। बिल्कुल नाले के ऊपर लगाई थी मैंने गाड़ी, देखो ब्रिज रोड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मैंने नाले के ऊपर लगाई थी गाड़ी। लगी अपनी गाड़ी ईमानदारी से लगा गया था मैं तो। ओ भाई अंधेरा बस देखना, और यही गाड़ी लगा गया था मैं। लगी है भाई लगी है अपनी गाड़ी, खुल जा सिंह खुल जी। ओ भाई किनारे से तो जाने की जगह भी नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ तो, बहुत बुरा। वो देखना गाड़ियाँ कैसे कट कट के जा रही हैं भाई, बहुत बुरा हाल हो रखा है। और जब मैं आया था ना, मुझे पता है घर से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के रास्ते पे है इस्कॉन, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, और मुझे 1.5 घंटा लग गया था मुझे आने पहुंचने में यहाँ पे। अभी तो चलो मेरे को इतनी टेंशन नहीं है कि जितना भी टाइम लग जाएगा घर तो पहुंच ही जाएंगे, कोई बात नहीं, घंटा लगे 2 घंटे लगे। लेकिन पहले टेंशन इसलिए थी क्योंकि यार अभिषेक होना था, अभिषेक का एक टाइम है, उसके बाद यार संपन्न हो जाता है वो सब कुछ, तो फिर क्या फायदा अभिषेक करने का। तो भाई इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन थी। बाबू बन के आया था राजा बाबू, कौन सा बाबू होता है वो, सोना बाबू, भूत बन के जा रहा हूँ भाई। इतना पसीना भिड़ भिड़ के तो भाई कुर्ते करते क्रीज भी खराब हो गई यहाँ तो। अब जाके लॉक हुई गाड़ी, मतलब अब देखो 2 किलोमीटर के बाद गाड़ी ने स्पीड पकड़ी है ऑटो लॉक वाली। कहीं से भी कट रहे हैं भाई, मतलब कहीं से भी, आगे से पीछे से नीचे से ऊपर, कहीं से भी कट रही है गाड़ियां, स्कूटी पैदल वाले बंदे कहीं से भी। मतलब ये रोड ना मैंने चंडीगढ़ की पहली बार इतनी बिजी देखी है, और साइडों में भी गाड़ियां लगी, यहाँ भी गाड़ियां लगी हुई है। बट यार अंदर बहुत मजा आया अंदर। अभिषेक तो मेरे ख्याल से आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि यार मैंने अभिषेक पे ध्यान था ना, मतलब अभिषेक करना था तो उसमें वीडियो नहीं बना सकता था मैं। राधा माधव का अभिषेक था तो वो किया, और आरती भी नहीं दिखा पाया भाई आरती। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे तो आपको दिखा दिया प्रॉपर मैंने कि ऐसे अभिषेक होता है ऐसे आरती होती है। मुझे ना एक चीज और समझ आई, बाहर मतलब आउटडोर व्लॉग कर रहा है ना, मतलब कोई भी, माइक बहुत कंपलसरी है, जरूरी है यार माइक। मैं जैसे प्लेन में बोल रहा हूँ मेरी आवाज ही नहीं आ रही, पीछे से उसका भाई इंजन ने मोपट ने इंजन खींचा हुआ पूरा अपना, पूरा इंजन बोली जा रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही, तो भाई माइक जरूरी है मेरे को ऐसा लगता है। देखो गाड़ी में तो आपको मेरी आवाज पूरी आ जाएगी, लेकिन वैसे नहीं आएगी आवाज,
और आपने दर्शन भी किए होंगे राधा माधव के, आज तो राम दरबार भी खुला था यहाँ पे, झूलन यात्रा में भी छोटे जो राधा माधव वो विराजमान थे। इतनी भीड़ थी, मैंने सिर्फ दूर दूर से दर्शन किए, लेकिन वीडियो बनाई आपके लिए, आपने देखा दर्शन किया होगा। भाई मैंने मम्मी को फोन कर करके पागल होगा, मिल ही नहीं रहा है फोन, मिल ही नहीं रहा है आवाज, हेलो कट जाता है, हेलो आवाज ही नहीं आती है, चलती रहती है। अब यहाँ पे आके पता लगा कि कोई गवर्नर आ रखा था यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो भाई उसके लिए ना इस्कॉन में दर्शन करने आएगा, उसके चक्कर में जैमर लगा रखे थे, और वहां से लेके इस्कॉन से लेके मतलब अभी मैंने किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया होगा, किलो डेढ़ किलोमीटर का रास्ता, भाई यहाँ तक भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा यार, मतलब नेट ऑन तक नहीं हुआ है, और जाम अलग लगा हुआ है। बस ये मैंने आज ब्लॉग को ऐसे मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का, जस्ट कि जन्माष्टमी थी और मैं मंदिर में आया था, तो इसलिए छोटा सा एक ब्लॉग है आपके लिए। देखना और यार थोड़ा सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को आगे फैलाओ जितना हो सकता है, मैं लगा हूं अपनी पूरी मेहनत से करने के लिए अपना काम, ठीक है। जब भी देखो एक टाइम होता है हर इंसान का, तो चलो कभी तो आएगा अपना भी टाइम, लगे हुए हैं भाई करने के लिए, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।